प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में भवन निर्माण कार्य यूनियन ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये धरना प्रदर्शन मिस्त्री के साथ की गई मारपीट और दिहाड़ी ना दिए जाने को लेकर किया गया, जिसके बाद मारपीट के मामले में डीएसपी सज्जन कुमार से भी मुलाकात की गई। बता दें कि इससे पहले सभी मजदूर मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए और फिर वहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आए दिन प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट और दिहाड़ी न दिए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन इन घटनाओं पर शासन और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं और इन मामलों में शासन प्रशासन की चुप्पी से उत्पीड़न करने वालों के हौसले और अधिक बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते मजबूरी में मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। डीएसपी साहब से अभी जाकर के बातचीत हुआ है, वो बोले हैं कि करवाए मतलब पूरा करेंगे जो भी उचित। क्या मामला है बताएं ना। मामला यह है कि एक मिस्त्री काम कर रहा था और टाइल के अंदर बैंड था और काम लास्ट एक दिन का और बच रहा था उसका और 25,000 रुपया उसका निकल रहा था। 3 दिन से हालांकि वो पैसा भी मांग रहा था तो मालिक आनाकानी कर रहा था और टाइल जानबूझ के बैंड लाया कि ताकि बैंड रहेगा, दहाड़ी मार लिया जाएगा इसका बहाना बना करके। उसने बोला बैंड है जी टाइल, तो इसी में इतना ही कहते और टाइल है उसी के हाथ से टाइल लेकर के सब मारा। तो क्या फिर आपने प्रदर्शन किया, ये क्या कारण था? ये प्रदर्शन करने के मजबूरी होगा कि जो डॉक्टर साहब एमआर काटना था वो नहीं काटे थे, क्योंकि हम जाकर के खुद बताएं वहाँ पर कि ये इसको चोट मारा गया है, मालिक ने क्या किया, नाम गलत लिखवा करके और उसको ये लिखवा दे कि चोट गिर के चोट खाया। मैं होश आया उसका 9:30 बजे, मैंने उससे बातचीत किया, पूछा, फिर डॉक्टर से मिला, CMO से मिला, मैंने बताया, उनने बोला मैं कर दूंगा, मगर रात में तो नहीं है कि दिन में बुला करके 3 बजे तक दौड़ाते रह गए। प्रशासन से मिले हो, क्या आश्वासन है? आश्वासन तो दिए हैं कि काम होगा, नहीं करेंगे तो फिर प्रदर्शन करेंगे, ये थोड़ी मैं चुप होकर बैठने वाले में से हैं। आज भवन निर्माण से जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने जो 2 दिन पहले मकान मालिक ने एक मिस्त्री का चोट मार दी, उसको सिर में चोट लगी थी और उस पर पिछले 2 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी पीड़ित के पक्ष में, उस बात को लेके आज यूनियन के नेतृत्व में सभी साथियों ने प्रदर्शन किया और हमने प्रशासन को अपना मांग पत्र सौंपा है और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हम अपनी ओर से करेंगे। मगर इस समय पे हमने प्रशासन को ये भी कहा है कि जो हालात आज के दिन खास तौर पर निर्माण मजदूरों के बने हुए हैं, उसमें भी विशेष तौर पर प्रवासी मजदूरों के, जिनके साथ दिहाड़ी मारने के मामले बढ़ रहे हैं, मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं, इस समय पे जब कोरोना का संकट है, सारी सरकार प्रशासन ये चाहता है कि प्रवासी मजदूर यहाँ रह के काम करें, मगर ये हालात नहीं बचे हुए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ये हालात बनाएगा कि मजदूर मान सम्मान के साथ यहाँ काम करे। आज का प्रदर्शन इस बात को लेकर। दरअसल मजदूरों के साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार को लेकर लगातार मजदूर वर्ग में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदेश भर में कई संगठन सड़कों पर हैं। फिर चाहे वो PTI अध्यापक हो, आशा वर्कर हो, किसान हो या फिर मजदूर, हर कोई सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर है। फिलहाल देखना होगा कि इन प्रदर्शनों के बाद अब सरकार इनकी कब तक सुध लेती है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।